चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं उसी में। ओके वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पे आपका इज इक्वल्स टू क्यू वी, वी की वैल्यू क्या वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ से आप वी लिख सकते हो डब्ल्यू बाई क्यू। और वर्क डन बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ वर्क डन तो, और जितने भी टाइप का एनर्जी हो, बी इट पोटेंशियल एनर्जी, बी इट काइनेटिक एनर्जी, बी इट हीट एनर्जी, कोई भी हो, सबका डायमेंशन आपका सेम, क्या डायमेंशन m l का पावर 2 t का पावर माइनस 2 राइट, और डिवाइडेड बाय q, q यानी कि at, it, तो यहाँ पे a और t, a इज फॉर एम्पियर एंड t इज फॉर टाइम, ठीक है। तो ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो आएगा वो आएगा m l का पावर 2 t का पावर माइनस 3 एंड ए का पावर माइनस वन राइट। दिस वन वाज फॉर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में अपने को क्या करना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मान लो पीजी लिख रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या कर देते, जो आएगा उसको लेंथ से डिवाइड कर देते, डिस्टेंस से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे यानी कि एल से डिवाइड करेंगे, और L से डिवाइड करेंगे तो ये L एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर डिक्रीज हो जाएगा, बचेगा M L T का पावर माइनस 3 एंड A का पावर माइनस 1, ठीक है। और हमेशा से जब भी डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन को बिगर ब्रैकेट पर रखना, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो बेसिक थोड़ा सा और डायमेंशंस है जो हम लोगों को आगे जाके यूज आने वाला है, ठीक है, उस डायमेंशंस का हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग फिर से एक बार नोटिस करते जाना और समझते जाना कि क्या करना है, बाकी मैं वो बोर्ड शेयर कर दूंगा, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लेना, वो आपको याद हो जाएगा लिखने के ड्यूरेशन। देखो सबसे पहले अभी हम लोगों को जो देखना है, एक देखना है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड और देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है टेंथ में, ठीक है, कि कोई भी अगर आपके पास चार्ज होगा, मान लो आपके पास कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, और इस क्यू के अराउंड आपके पास एरिया है, ये सर्कुलर कोई एरिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में। अब क्या होता है ना कि इस एरिया में अगर आप कोई चार्ज लेके आओ, बाहर लेकर के जाओ, सपोज यहाँ पे कोई प्लस, यहाँ पे अगर बाहर में कोई प्लस वन यूनिट का चार्ज है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर लेके आओगे तो इस पर फोर्स लगने लगेगा, राइट। तो ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस एरिया में, जैसे आप लोग जानते हो ना, हर कुत्ते का अपना एरिया होता है, राइट, मतलब वो अपने एरिया में रहता है। देखते हो, कभी देखे होंगे आस पास के गली में कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो उसको वॉक करके भगा देगा, ये भागो ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो वैसा ही समझ लो, ये क्यू जो है वो क्यू कुत्ता है, ये इसका एरिया है, इसके अंदर कोई भी आएगा तो उसको मार के भगा देगा, यहाँ पे रहना नहीं है, जाओ ये इलाका मेरा है, इसमें जो भी रोटी आएगा वो मैं खाऊंगा, राइट। तो ये इसका एरिया है, तो ये इसी एरिया में ये चार्ज के अराउंड जो एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो ये प्लस वन है, अगर माइनस वन होता तो भी, तो माइनस वन होता तो क्या होता कि अट्रैक्ट करने लगता, प्लस वन होता तो मार के भगा देता, माइनस वन होता तो अट्रैक्ट करता, ठीक है भाई तुम आ जाओ चलेगा, कुछ कुछ कुत्तों से दोस्ती भी हो जाती है, राइट। तो वो माइनस वन वाले से इसकी दोस्ती हो जाएगी, वो बोलेंगे बोल ठीक है आ जाओ अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब यह माइनस वन आएगा तो ये कुछ फोर्स लगेगा, ये क्यू ये प्लस वन को रिपेल करेगा और माइनस वन को अट्रैक्ट करेगा, कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, तो वो जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट अभी हम लोग फिलहाल उतना डीप में नहीं जाएंगे, मैंने जस्ट डेफिनेशन बताया, वो सारी चीजें मैं 12th का बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक्स जानना है हम लोग, पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं जानना,
तो ये यहाँ पे आएगा तो फोर्स लगेगा, राइट। और वो फोर्स जो होता है वो हम लोग देते हैं एफ इक्वल्स टू, हेलो, एफ इक्वल्स टू क्यू ई से। अब बोलोगे यहाँ पे ई क्या है, तो ई को आप फिलहाल के लिए बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहां से अपने को क्या चाहिए, इसका यूनिट और डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो यूनिट और डायमेंशन चाहिए, तो आप देखो तो यहां से लिख सकते हो क्या कि E बराबर E इक्वल टू क्या लिखोगे, F बाई Q, F डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। चाहिए यूनिट, तो यूनिट देखो ऐसा यूनिट की जब बात करें तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना आपके सिलेबस में ऐसा यूनिट है। CGS और FPS में हम लोग बहुत कम डील करते हैं, ठीक है। कभी कभी कन्वर्जन आता है, बट अब ITG और NEET दोनों ने अपने सिलेबस से CGS पर FPS को हटा दिया है। बोर्ड्स में थोड़ा सा है बट स्टिल थोड़ा सा है, ठीक है। तो वो आप CGS और FPS में लोग ज्यादा डील नहीं करते, बट स्टिल हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन फाइनल, कभी कभी कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा यूनिट यहाँ पे आएगा, तो इसका ऐसा यूनिट होता है, देखो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट। नाउ अपने को चाहिए डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन चाहिए ई का, राइट। तो डायमेंशन हो जाएगा आपका फोर्स का, फोर्स का देखो क्या हो जाएगा ML, फोर्स का आएगा आपका MLT माइनस टू, ठीक है। ये देखो MLT का पावर माइनस टू, और नीचे चार्ज, तो चार्ज का क्या होता है KT, ठीक है। चार्ज का AT होता है, तो देखो तो क्या हो जाएगा MLT का पावर माइनस 3 और a का पावर -1। देखो तो ऐसा डायमेंशन कहीं आपने निकाला क्या, अभी हाल फिलहाल में ऐसा डायमेंशन कहीं दिख रहा है क्या, बताओ सब चैट में, बताओ चैट में लिखो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, चलो ठीक है, सबको समझ आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखो आप कैसे रिलेशन, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हो डायमेंशन में। आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और दोनों का सेम आ गया ना, तो इससे आप सोच सकते हो कि डायमेंशन का यूज करके हम लोग वो क्या कर सकते हैं, दो क्वांटिटीज का डेफिनेशन या फिर रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 12th में जब जाओगे आप आगे, तो आगे जा करके आपको पता चलेगा वहां पे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और आगे जाके 12th में एक इक्वेशन आएगा आपको, E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीआर, ठीक है। अब बोलोगे सर डीवी क्या है, डीआर क्या है, डी तो समझ ही नहीं आ रहा, तो डी टेंशन मत लीजिए सब कुछ। डीवी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और डीआर का भी मतलब होता है स्मॉल चेंज। डीवी मींस स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, एंड डीआर मींस स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट है जो हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में डील करें। अभी हम लोग फिलहाल यूनिट डायमेंशन डील कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये डीवी है चेंज इन पोटेंशियल, राइट। और पोटेंशियल का जो आपको बताया था, पोटेंशियल का तो आपने निकाल लिया, और नीचे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी आपने निकाल लिया। तो देखो तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, इसी को हम लोग अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट लिए थे, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलवाया था, ताकि आप समझ सको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी, ठीक है। चलो एक हो गया हमारे पास, अब आते हैं हम लोग दूसरा
मैग्नेट, ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है? कोई इश्यू है किसी को तो आप हैंड रेज कर सकते हो या चैट में पूछ सकते हो। चलो ओके, लग रहा है क्लियर है सबको, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं, हाँ अंशु बोलिए, आपने हैंड रेज किया, बोलिए अंशु। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या अंतर है? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, ऐसे तो मैंने टेंथ में बहुत लोगों को डील किया है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो पोटेंशियल क्या होता है ना, अभी पूरा ही डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कोई नहीं। एक फिगर बना हुआ है, इसी से डील करता हूँ। देखो यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है आपको, ये क्यू वाला? यस सर। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं कि एक कोई चार्ज ले रहे हैं, ये इन्फिनिटी पे है, ठीक है, राइट, और यहाँ से इसको इस जगह पे ला रहे, ठीक है, ये चार्ज मालूम होगा हमें, नहीं मालूम, प्लस वन यूनिट का ले लो, क्यू का ले लो, क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठा करके आप यहाँ ला रहे हो, तो कुछ वर्क डन होगा। यस सर। आप प्लस वन यूनिट को याद रखना, प्लस वन यूनिट को ला रहे फिलहाल, ठीक है, तो प्लस वन यूनिट को चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचाने के लिए जो वर्क डन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नाउ इस प्लस वन यूनिट का चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे रखे हो, ए पॉइंट पे, और अब इसको उठा करके ले जा रहे हो बी पॉइंट पे। इस टाइम जो वर्क डन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि प्लस वन यूनिट का चार्ज को जो वर्क डन लगता है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और प्लस वन यूनिट का चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच ले जाने में, दो पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के बीच ले जाने में जो वर्क डन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? यस सर। अभी हम लोग वापस से आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। अब चलो देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेट है, ये एक नॉर्थ पोल इधर रखा हुआ है और एक साउथ पोल रखा हुआ है, ठीक है। मैं फिलहाल एक नॉर्थ पोल को कंसिडर करके चल रहा हूँ, दोनों जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आपको बता देता हूँ अभी फिलहाल, कि याद रखना कि मैग्नेटिज्म जैसे यहाँ पे चार्जेस होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो वही काम आपका क्या कौन करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिस तरह प्लस क्यू काम करता है, प्लस चार्ज काम करता है, उस तरह नॉर्थ पोल काम करता है, और जिस तरह माइनस चार्ज काम करता है, उस तरह साउथ पोल काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी आपको कि क्या है, यहाँ पे जो चार्ज के अराउंड एरिया है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मान लो कोई एक पोल मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होगा, ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड का एरिया को हम लोग बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेम चीज वैसे ही होगा। अब मान लो कोई दूसरा मैग्नेट आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है, प्लस वन यूनिट का मैग्नेट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है, पोल स्ट्रेंथ है, वो प्लस वन यूनिट का है, ठीक है। अब बोलोगे सर पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ होता है ना, तो वैसे ही पोल का भी कुछ मैग्नीट्यूड होता है। मैं सिर्फ ये कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ सपोज आपने कोई मैग्नेट लेके आया, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल लेके आया, तो आप जैसे ही नॉर्थ पोल लेके आओगे फिर से वही काम होगा। ये आप समझ लो, पहले चार्ज जो था वो कुत्ता था, इस बार ये मैग्नेट कुत्ता है, ये बोलेगा भाई नॉर्थ पोल को भागो, ये मेरा एरिया है, यहाँ पे रहो नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको भगा देगा, राइट। जैसे ही इस फील्ड में आएगा, बाहर रहेगा तब तक तो कुछ नहीं करेगा, ये इसके फील्ड में आया, मान लो यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ पोल आ गया, तो वो उस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा और फोर्स लगा के इसको दूर भगा देगा, कहां से, एरिया के बाहर, ठीक है। अगर सेम जगह पे साउथ पोल होता तो साउथ पोल होता तो उसको अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है। साउथ पोल होता तो ये भाई साहब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्थ वाला, और अगर नॉर्थ पोल होता तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहा है। अब ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो
वो जो फोर्स लगता है, तो यहाँ पे फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस बार आएगा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। अभी आ जाएगा बी, और बी का जो फॉर्मूला होता है बी का, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बाद आपने, आप सबने एक चीज पढ़ा है टेंथ में, मैग्नेटिज्म जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पढ़ा था कि जैसे ही हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता। जहां पे हम लोग याद करो, हम लोग यूज करते थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था वो क्या बोलता था, व्हेनेवर वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। राइट, मतलब कि आप जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ले, यहाँ पे आ गया आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों ओर एक लूप बन रहा था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे इसको, इस साइड नॉर्थ पोल, इस साइड साउथ पोल, तो ये क्या करता था, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था। और वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता था, उसका फोर्स हम लोग डायरेक्शन कैसे देते थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो ये फोर्स मान लो इस पे करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। ठीक है, और इसका लेंथ, कंडक्टर का जो लेंथ है वो एल लेंथ है कंडक्टर का, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो हम लोग देते थे इससे लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन आपको सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताया गया था उस टाइम तक, आपको ये नहीं बताया गया था कि फोर्स कितना लगेगा। राइट, तो वो फोर्स मैं अभी बता रहा हूं आपको कि एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है बी, ठीक है, आई एल साइन थीटा। ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। बोलोगे सर कहां से आया, तो कहां से आया, तो ये ट्वेल्थ का फॉर्मूला है, ट्वेल्थ में हम लोग डेरिवेशन के साथ देखते हैं, फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना। तो एफ इज इक्वल टू हो गया बी आई एल साइन थीटा। जब भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेनेवर वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड द फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉइंट, ये एंगल और ये लेते हैं, यूजुअली ये 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि रेडियस से हम लोग कंसिडर करेंगे तो रेडियस से ये एंगल 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो इस केस में अभी सबको ही मुझे B का डायमेंशन निकाल के दिखाइए, यहां से आप लिख सकते हो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा। देखो, F अपॉन IL साइन थीटा। ठीक है, F अपॉन IL साइन थीटा, यहां से सब डायमेंशन निकालिए तो B का, हमें सिर्फ अभी फिलहाल डायमेंशन चाहिए। F का डायमेंशन आपको पता है, करंट का डायरेक्शन आपको, डायमेंशन आपको पता है, और एल का डायमेंशन और साइन थीटा का पता है। हाँ प्रियंशु बोलिए। सर हम बताएं? हाँ बताइए बिल्कुल। m t minus 2 minus 1। एक एक करके, एक एक करके। हाँ बताइए अंशु। सर m t minus 2 minus 1। t minus 2? a minus 1। सोच के बोलिए। हाँ a माइनस वन, एम टी माइनस टू, ए माइनस वन, वन होगा। यस सर। हाँ चलो, चलो ठीक है। तो यहाँ से सबको, सबसे पहला b का डायमेंशन, तो यहाँ से सबको लिख लीजिएगा फाइनल b का, हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। कैसे आया एम टू टी माइनस टू ए माइनस वन? ठीक है, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, ये एम एल टी माइनस टू अपॉन एल एल विल बी कैंसिल आउट, बट क्या एम टी माइनस टू,
और नीचे आया करंट, करंट का एम्पियर, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन। और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, बता रखा ऑलरेडी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो ये सब कोई लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बी का ही आपको एसआई यूनिट निकालना है, कोई बता सकता है बी का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? सर बोलिए, न्यूटन डिवाइडेड बाय टेस्ला, गोविंद ने बताया टेस्ला, ओके राइट। चलो देखो, एक चीज, एक यूनिट होता है आपका टेस्ला, दूसरा यूनिट होता है आपका, यहां से हम लोग निकालेंगे न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, पर एम्पियर पर मीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। सब लिख लीजिए टेस्ला, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का हो गया। अब इससे आगे हम लोग दूसरे पे आते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसा चीज का भी आप लोग को निकालना है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, इसके बाद दूसरे पे मैं पहुंचूंगा। आपने नाइन्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन पढ़ा कि F जो होता है वो होता है E M1, या फिर अगर दोनों आइडेंटिकल, मैं फिलहाल आपने ऐसे पढ़ा था G M1 M2 by R square, राइट, बट मैं M1 M2 को आइडेंटिकल मान के चल रहा हूँ, तो F M1 M2 को अगर आइडेंटिकल मानेंगे तो यहाँ पे, चलो आइडेंटिकल नहीं मान, चलो छोड़ो, G M1 M2 by R square, ठीक है, ये था। तो आपने ऐसा यूनिट तो जी का सबने सुना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट आपका आराम से निकाला जा सकता है। ऐसा यूनिट क्या होता, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। अब सबको इसका डायमेंशन निकालिए जल्दी से, सबको निकालना है, बताना किसी को नहीं अभी फिलहाल, सबको निकालना है। ऐसा यूनिट तो आप सब जानते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहां से जी का जो निकालना है आपको, तो जी का बताइए ऐसा यूनिट नहीं है, डायमेंशन, डायमेंशन व्हाट विल बी द डायमेंशन, जो निकाल लेंगे सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा। हाँ अंशु बताइए, एल टी माइनस टू एल टू L, सर L क्यूब T माइनस टू M, M के टर्म्स में बताना है, सबसे पहला चीज आना चाहिए M, ठीक है सर, M L L थ्री T माइनस टू, M L थ्री T माइनस टू। हाँ रुपम बोलिए, निकाल लिया आपने, रुपम आपको आवाज आ रही है? M माइनस वन, एक एक करके, एक मिनट अंशु रुक जाइए सर, एक 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 करके बोलिए रूपम, पहले आप m माइनस वन एल क्यूब, एल क्यूब टी माइनस m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, टी माइनस टू, ओके। और हाँ गोविंद, गोविंद बताइए, गोविंद आपको आवाज आ रही है सर? यस सर, M माइनस वो T माइनस थ्री। गोविंद आपकी आवाज वाइब्रेट कर रही है, फिर से बताएं एक बार सर, M माइनस वन T माइनस टू एल,
ओके राइट राइट चलो हाँ विपुल बताइए सर सेम है सर एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू हाँ ठीक है चलो ठीक सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब ठीक है अंशु क्लियर है वो अभी आपको यस सर हाँ चलो ठीक तो ये था आपका यहाँ पे हम लोगों को इसी तरह से इसका एक डायमेंशन निकालना चलो अभी आपको दूसरा सेम सिमिलर इक्वेशन अब सबको हैंड अपना लोअर कर ले सेम जहां पे आपका ऑप्शन आ रहा था उसी जगह पे आपका ऑप्शन आएगा कुछ भी आपको कोई दिक्कत है आपको क्लियर है कुछ भी आपको आवाज आ रही है यस सर आपका क्लियर है समझ में आ गया कैसे आया सर मेरा ML3 T-2 आया है नहीं तो ML3 M-1 हो जाएगा ना क्योंकि फोर्स का इधर देखो M है और नीचे ये दो M नीचे जाएगा तो M का पावर माइनस वन हो जाएगा yes, हाँ तो आपका खाली M का पावर वन नहीं M का पावर माइनस वन होगा राइट क्योंकि यहाँ पे देखो F फोर्स है तो फोर्स का होता है MLT-2 ठीक है MLT-2 और यहाँ पे R स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा तो R स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा L स्क्वायर और अपॉन क्या M square क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला है ठीक है तो L क्यूब हो गया और ये M का पावर माइनस वन हो गया अभी क्लियर यस सर चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग को देखते हैं सिमिलरली अभी आप देखोगे तो सेम चीज आपका क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आता है जैसे दो चार्जेस रहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स था 12th में आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है कि F is equals to K Q1 Q2 by R square K Q1 Q2 by R square अब यहां से मुझे K को का डायमेंशन निकाल के बताओ तो K is a constant ठीक है K का सबसे पहले यूनिट बताओ सब लोग K का ऐसा यूनिट क्या होगा सबसे पहले हम लोग यूनिट लिखेंगे देन डायमेंशन में पहुंचेंगे सर यहाँ Q क्या है चार्जेस जैसे वहां M1 M2 मासेस थे ठीक है वहां पे सिमिलरली जिस तरह ग्रेविटेशन में आपका फोर्स लगता था वैसे ही दो चार्जेस रहेंगे दो चार्ज आप ले सकते हो और दो चार्ज के जैसे यहाँ पे दो मासेस थे ना कि एक M1 है और एक M2 है दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो फोर्स क्या लगेगा F equals to gm1 m2 by r square तो यहाँ पे दो चार्जेस ले लो एक q1 है दूसरा q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया R हो गया ठीक है तो फोर्स कितना लगेगा F equals to kq1 q2 by r square यहाँ से भी आपको K का ऐसा यूनिट निकालना है तो सबसे पहले ऐसा यूनिट निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा देखो ऐसा ही यूनिट ठीक है ऐसा यूनिट देखेंगे हम लोग तो ऐसा यूनिट में हो जाएगा यहाँ से आप सबसे पहले तो लिख सकते हो ना K की वैल्यू जो लिखोगे वो क्या लिखोगे K की वैल्यू देखो तो एफ आर स्क्वायर F into ठीक है R square by divided by Q1 Q2 Q1 और ये हो गया आपका F R square ठीक है तो ऐसा यूनिट देखो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और R square यानी मीटर का स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और चार्ज का क्या होता है कूलम स्क्वायर तो ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ठीक है अब डायमेंशन डायमेंशन निकाल के बताइए जो लोग निकालेंगे सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा जिनको बताना है ठीक है गोविंद हाँ गोविंद बताइए एक मिनट रुक जाइए बताइए आवाज आ रही है
m1 l का 3 हाँ ठीक है t का पावर माइनस 4 t का माइनस माइनस 4 और 4 ठीक है a का पावर माइनस 2 a का पावर माइनस 2 a का पावर माइनस ओके गुड राइट सर सेम आया हाँ सेम आया जिनका सेम आया है सही है ठीक है m1 l3 a minus 2 अंशु आपका भी सेम आया है सेम आया सर सेम आया हाँ ओके राइट जिनका सेम आया है उनका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो ये सारी जो हम लोग चीजें डील कर रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा अभी हम लोगों का क्या है कि ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इधर उधर का कॉन्सेप्ट है बट हम लोग इससे डायमेंशन यूनिट निकालना इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजों से आपका प्रैक्टिस होगा और जहां से आगे जाकर ये सारी चीजें आपको काम आ जाएगी राइट तो अभी आपको क्या करना है कि कोई भी बुक उठाइए आपका असाइनमेंट आज का असाइनमेंट ये है कि कोई भी बुक उठाइए ठीक है और कोई भी बुक उठाने के साथ कहीं का भी आप में मतलब आपके पास जो बुक अवेलेबल है 9th 10th या पीडीएफ अवेलेबल है कहीं पे भी फोन पे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या कहीं पे भी कोई भी बुक और आपको एटलीस्ट 25 ऐसी क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन निकालना है जो आप या तो पढ़ चुके हो या तो जो नहीं भी पढ़े तो जो नहीं पढ़े हो उसका फॉर्मूला लिख लेना और जो पढ़ चुके हो उसका फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे चलेगा तो एटलीस्ट 25 होना चाहिए मैं जब इन क्लास में करवाता हूँ तो क्लास में एटलीस्ट 80 निकलवाता हूँ ठीक है तो बट स्टिल हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे तो कोई इश्यू नहीं है बट स्टिल आपको 25 एटलीस्ट लिखना है हाँ रूपम बोलिए कोई दिक्कत है सरफेस टेंशन हाँ ठीक है देखो सरफेस टेंशन क्या होता है ना कि सरफेस टेंशन आपका हम लोग समझते तो हैं कि वो टेंशन की तरह होता है बट एक्चुअली वो टेंशन नहीं होता ठीक है सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने फोर्स ग्रेडियंट निकलवाया था आपको तो फोर्स ग्रेडियंट और सरफेस टेंशन इज सेम आप देखो फोर्स ग्रेडियंट का निकाला होगा आपने एम टी माइनस टू यस सर तो सरफेस टेंशन का भी होगा एम टी माइनस टू ठीक है फिर से बोलिए रुको थर्मल कंडक्टिविटी का आपका दिया हुआ है मैंने नोट्स में ठीक है आप उसको देखो अभी उसका फॉर्मूला बताया नहीं है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए आगे जाकर के मैं क्लियर करूंगा उसको क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है के टर्म्स में निकलता है वो ठीक है उसके लिए एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आता है वहां से पढ़ेंगे तो वहां से थर्मल कंडक्टिविटी आपकी निकल जाएगी तो इसके लिए उसके हाँ विस्कोसिटी का भी आपका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा